उसको ये छोटे से बच्चे क्या उठाएंगे? अरे कोई बाल हंस मंदराचल को उठा सकता है क्या? एक सखी ने कहा कि माताजी बुरा मत मानना, आपने जो जो उपमा दिया, जिस जिस विभूतियों के नाम गिनाए, आप उनका पहले विशेषता देखो। का विशेषता क्या? आपने कहा कुंभज, कुंभज हैं छोटे, लेकिन समुद्र को पीने वाले कौन थे? ईमानदारी से बताओ, समुद्र को तीन अंजलि में पीने वाले कौन थे? कुंभज यानी अगस्त जी, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आपको एक बात और बड़ी विचित्र बात बताऊं, जब हमारे देश में आजादी आनी थी तो उस समय 15 अगस्त 1947 का दिन था, बोले सच्चिदानंद भगवान की। कितना कहिया हमारे देश को आजादी मिला था? 15 अगस्त 1947। तो उस समय अंग्रेज बैठे थे हमारे भारत देश में, तो अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये सुन रहे कि कोई महात्मा है जो देश आजाद कराना चाहता है। कहा तो कहा ये महात्मा क्या है? तो कहा कि भैया महात्मा को ऐसे तैसे ना समझो, महात्मा बहुत बड़े होते हैं। तो उसने कहा पहले इतिहास पढ़ो कि महात्मा होते क्या है। लाया गया ग्रंथ, अंग्रेज पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते एक महात्मा का नाम आया। उस महात्मा का नाम था अगस्त। और अंग्रेज ने पढ़ते पढ़ते कहा ओ माय गॉड, जब एक अगस्त ने तीन अंजलि में पूरे सागर को सोख लिया, आज तो 15 अगस्त है, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भागो अंग्रेजों, भारत छोड़ो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का ये जो बुढ़वा है, बुढ़वा कौन? महात्मा गांधी। का बताओ ये लाठी लेकर के कह रहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो इस कर कोई भरोसा नहीं है। अरे जब एक महात्मा तीन अंजलि में समुद्र सौंख गया था तो इहो महात्मा